हेलो एवरीवन सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट सेलेक्शन सॉर्ट विच इज़ द मोस्ट सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम सबसे सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम है सेलेक्शन सॉर्ट राइट सेलेक्शन सॉर्ट के पीछे जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है फाइंडिंग द मिनिमम एलिमेंट राइट फाइंडिंग एंड सेलेक्टिंग द मिनिमम एलिमेंट मिनिमम एलिमेंट को आप सेलेक्ट करोगे फाइंड आउट करोगे सेलेक्ट करोगे और उसको उसकी सही प्लेस पर लगाओगे राइट right. जैसे कि आप एज्यूम कीजिए सपोज आपके लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नंबर्स हैं राइट नंबर्स आर टेन फाइव टू एट राइट जो एक अनसॉर्टेड मैनर में अरेंज्ड है और आपको इनको अरेंज करते हुए अपने राइट हैंड साइड पे ले जाना है राइट लेफ्ट हैंड साइड पे अनसॉर्टेड है और राइट हैंड साइड में आपको सॉर्ट करते हुए ले जाना है तो आपको क्या करना है मिनिमम फाइंड आउट करना है इस कंप्लीट एरे में आप मिनिमम फाइंड आउट करोगे क्लियरली टू मिनिमम है तो सबसे पहले क्या आ जाएगा टू राइट right? ये राइट हैंड साइड है तो यहाँ पर आप लेकर टू को नेक्स्ट इनमें से मिनिमम क्या है फाइव राइट सो सेकेंड नंबर पर फाइव अरेंज हो जाएगा एंड नेक्स्ट थर्ड इज एट देन एट एंड देन टेन राइट सो so, यहाँ पर अगर मैं इसको इंप्लीमेंट करूँ एज एन एल्गोरिथम तो क्या होगा पर हमें दो एरेज़ की ज़रूरत पड़ेगी राइट इमेजिन कीजिए अगर सेम प्रिंसिपल यूज़ करके हम इम्प्लीमेंट करें सो so यहाँ पर तो एरे का साइज़ छोटा है बट इफ़ एरे का साइज़ है वन लैक या टू लैक और अगर हमें उसके डबल साइज़ की ज़रूरत पड़े तो वो मेमोरी वेस्टेज कर देगा इस एल्गोरिथम को रिक्रिएट करके हम सिंगल एरे के लिए अगर इंप्लीमेंट करें सिंगल एरे को यूज़ करते हुए हम इसको इंप्लीमेंट करें तो कैसे होगा वो हम यहाँ पर देखें तो सपोज हमें ये एक एरे गिवन है जिसके अंदर एलिमेंट्स अनसॉर्टेड मैनर में है एरे का नाम है ए और उसका साइज कितना है फाइव वन टू थ्री फोर फाइव फाइव एलिमेंट्स इसमें इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो टू फोर इसको हमें सॉर्ट करना है बट यूजिंग ओनली वन एरे एक ही एरे को यूज करना है प्रिंसिपल वही है कि मिनिमम फाइंड आउट करना है और उसको उसके प्रॉपर प्लेस में लगाना है राइट right. सो so, हम एज्यूम करके चलेंगे यहाँ पर जो मिनिमम वैल्यू का एलिमेंट है वो फर्स्ट इंडेक्स वाला ही एलिमेंट है क्योंकि हमने अभी इस पूरे एरे को ट्रैवर्स नहीं किया है राइट सो so, अगर ये मिनिमम है हम सोचेंगे कि दिस इज़ द मिनिमम एलिमेंट हम उसको कंपेयर करेंगे नेक्स्ट एलिमेंट के साथ हो सकता है अगला एलिमेंट उससे ज़्यादा छोटा हो राइट सो so, फाइव से कंपेयर करेंगे तो फाइव इज स्मॉलर देन टेन तो अब ये मिनिमम नहीं रहा मिनिमम हो गया ये अब फाइव को नेक्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे क्या पता वो उससे छोटा हो सो टू इज़ स्मॉलर देन फाइव तो मिनिमम हो जाएगा ये देन टू को कंपेयर करेंगे फोर के साथ तो अब मिनिमम टू ही रहेगा राइट right? क्योंकि टू इज स्मॉलर अब टू को एट के साथ कंपेयर करें तो टू ही मिनिमम रहेगा ये तो टू मिनिमम की फाइट में इस एंटायर एरे से इस एंटायर अनसॉर्टेड एरे से कौन जीता है टू सो so, अब टू को उसकी सही प्लेस पे लगाना है तो टू को सही प्लेस पे यानी कि सबसे लेफ्ट मोस्ट साइड में लगाना है राइट right? अभी ये पूरा एरे क्या है अनसॉर्टेड तो इसकी सही प्लेस क्या होगी ये वाला फर्स्ट जो पोजीशन है इस एरे की वो है इसकी करेक्ट प्लेस तो हम क्या करेंगे यहाँ पर शॉपिंग कर देंगे दोनों को अगर मैं ऐसे ही रिप्लेस कर दूं तो जो वैल्यू है टेन इसको हम लूज कर देंगे विच वी डोंट वांट टू लूज इस वैल्यू को हम लूज नहीं करना चाहते तो हम क्या करेंगे यहाँ पर शॉपिंग करेंगे राइट सो फर्स्ट स्टेप क्या है फाइंडिंग मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम अनसोटेड सब एरे राइट अनसोटेड सब एरे में से मिनिमम एलिमेंट को फाइंड आउट करना जो कि हमने फाइंड आउट किया टू को और दूसरा स्टेप है सॉप दिस मिनिमम एलिमेंट इस मिनिमम एलिमेंट को सॉप करना है किसके साथ विथ द फर्स्ट पोजिशन एलिमेंट ऑफ अनसॉर्टेड ऑफ अनसॉर्टेड एरे और सब एरे राइट सब एरे में यहां पर क्यों लिख रही हूं अनसॉर्टेड सब एरे और एरे सब एरे में यहां पर क्यों यूज कर रही हूँ वो मैं आप, आपको बताती हूं अब इनको सॉप करने के बाद हमें क्या मिलेगा यहां पर आ जाएगा टू इस पोजीशन पे और फर्स्ट पे फाइव ही रहेगा सेकंड इंडेक्स पे क्या आ जाएगा टेन थर्ड इंडेक्स पे फोर ही रहेगा और फोर्थ पे भी एट रहेगा राइट सो अब हमें यहां पर ये वाली जो पोजीशन है ये सॉर्ट हो चुकी है तो इस एरे को हमने दो पार्ट में स्प्रिट कर दिया है दिस इज सॉर्टेड सब एरे राइट और ये वाला पार्ट अभी भी सॉर्ट करने के लिए बाकी है तो ये क्या है अनसॉर्टेड सब एरे तो अब जो भी एल्गोरिथम हमें लगानी है वो सिर्फ इस वाले पार्ट पे ही लगानी है सेम यही दो स्टेप्स हम रिपीट करेंगे जब तक ये पूरा एरे सॉर्ट नहीं हो जाता राइट right? किस पार्ट पे लगाएंगे अनसॉर्टेड सब एरे पे राइट right? सो so, ये था आपका पास वन राइट right? ये पास वन आपने अप्लाई किया तो पास वन के बाद आपको आफ्टर पास वन ये मिला ये फर्स्ट पास था आपका राइट सो अब हमने क्लियरली देख सकते हैं हमारा एरे दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है सॉर्टेड एंड अनसॉर्टेड ये वाली जो लाइन है एक इमेजिनरी लाइन है जो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करती है राइट right. अब वापस से सेम एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे फाइंडिंग मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम अनसॉर्टेड सब एरे अनसॉर्टेड सब एरे में से वापस मिनिमम फाइंड आउट करेंगे इनिशियली सोचेंगे कि ये मिनिमम है अगले एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे टेन से ये छोटा है सो so मिनिमम में कोई चेंज नहीं इससे कंपेयर करेंगे तो फोर छोटा है फाइव से तो अब मिनिमम हो जाएगा ये राइट right? अब एट से कंपेयर करेंगे तो मिनिमम फोर ही रहेगा तो मिनिमम की फाइट में इस अनसॉर्टेड सब एरे से कौन जीता है फोर दिस इज द मिनिमम मिनिमम हमें मिल गया अब इसको स्वॉप करना है किसके साथ विद फर्स्ट पोजिशन एलिमेंट फर्स्ट पोजिशन एलिमेंट इस अनसॉर्टेड सब एरे की पहले एलिमेंट के साथ इसको स्वॉप कर देंगे यानी कि फाइव के साथ इसको हम स्वॉप कर देंगे तो स्वॉप करने के बाद यानी कि सेकेंड पास के बाद पास नंबर टू के बाद हमें क्या मिलेगा जीरो वन टू थ्री फोर राइट तो टू उसके बाद फोर देन टेन एज इट इज रहेगा और फोर की जगह पे हम किसको ले आए फाइव को सो फाइव एंड एट तो ये वाला पार्ट सॉर्टेड हो गया और ये वाला पार्ट अनसॉर्टेड हो गया राइट आफ्टर पास नंबर टू नेक्स्ट पास अगेन सेम स्टेप्स अप्लाई करेंगे किस पे इस अनसॉर्टेड सब एरे में तो अनसॉर्टेड सब एरे में वापस से आप मिनिमम सेम तरीके से फाइंड आउट करोगे पहले रिज्यूम करोगे टेन इज मिनिमम टेन को कंपेयर करोगे इससे तो हमें पता चलेगा नहीं इससे छोटा एक और एलिमेंट है दैट इज फाइव तो फाइव को हम मिनिमम मान के चलेंगे नेक्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे हो सकता है आगे उससे भी छोटा कोई एलिमेंट हो बट नहीं एट इज ग्रेटर तो मिनिमम हमें मिल जाएगा फाइव मिनिमम मिल जाने के बाद स्वॉप करना है किसके साथ अनसोर्टेड सवेरे के पहले एलिमेंट के साथ तो इन दोनों को आपस में स्वॉप कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर टू यहाँ पर फोर और स्वॉप कर देने के बाद फाइव और इधर आ जाएगा टेन और यहाँ पर एट इंडेक्सेस जीरो वन टू थ्री फोर राइट तो ये वाला पार्ट सॉर्ट हो चुका है ये वाला पार्ट अनसॉर्टेड यानी कि यही सेम एल्गोरिथम हमें इस पार्ट पे अप्लाई करनी है सो so, इन दोनों में मिन, मिनिमम फाइंड आउट करेंगे तो एज्यूम करके चलेंगे टेन इज मिनिमम बट टेन से छोटा एट है तो ये हो जाएगा मिनिमम अब मिनिमम को सॉप करेंगे अनसॉर्टेड सब एरे के पहले एलिमेंट के साथ तो इन दोनों को आपस में सॉप कर देंगे तो एट इधर और टेन इधर क्या मिलेगा हमें हमें मिलेगा टू फोर फाइव एट एंड टेन तो ये वाला पार्ट हो जाएगा सॉर्टेड ठीक है और इसको अभी भी हम अनसॉर्टेड बोल लेते हैं राइट ये था आपका पास नंबर थ्री और ये था आपका पास नंबर फोर के बाद जो आपको मिला है अब अगर पांच पोजीशंस में से चार करेक्टली प्लेस्ड है ये सारे एलिमेंट्स अपनी करेक्ट पोजीशन पर क्योंकि इनको हमने सॉर्ट कर लिया है यूजिंग दिस एल्गोरिथम तो जो पांचवा एलिमेंट है ये तो ऑब्वियसली अपनी सही जगह पर होगा ही होगा क्योंकि पांचवी बची हुई जगह और कहाँ जाएगा वो राइट right? ये तो अपनी सही करेक्ट पोजीशन पे है सो पांचवा एलिमेंट ऑटोमेटिकली ही करेक्ट प्लेस पे होगा तो इसका मतलब आफ्टर पास फोर हमें जो एरे मिला है वो सॉर्टेड है ये कंप्लीटली सॉर्टेड है राइट right? तो ये सॉर्ट हो चुका है कंप्लीट एरे सो कितने पासेस हमें लगे वन टू थ्री फोर इस एरे को पूरी तरह से सॉर्ट करने में फोर पास फोर पासिस हमें लगे सो so, पास इक्वल टू फोर जब एलिमेंट्स फाइव थे तो पासिस कितने लगे फोर तो पास कितने लग जाएंगे हमें एन माइनस वन अगर एरे का साइज एन है तो उससे एक कम दैट इज फोर इन दिस केस फोर पासिस राइट सो अब इसके लिए हम एक पीस ऑफ कोड लिखेंगे एक फंक्शन इन सी लैंग्वेज लिखेंगे जो इम्प्लीमेंट करेगा इस पर्टिकुलर लॉजिक को क्या करना है हमें स्टेप वन फाइंडिंग द मिनिम एलिमेंट एंड स्टेप टू इज शॉपिंग इट विद द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अनसॉर्टेड सब एरे राइट सो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये पासिस लग रहे हैं पास नंबर वन टू थ्री फोर एंड विद इन द पास हर पास के अंदर हम क्या कर रहे हैं हर पास के अंदर हम क्या कर रहे हैं कंपेरिजन कर रहे हैं टू फाइंड द मिनिमम तो यहाँ पर पासिस के अंदर कंपैरिजन भी हो रहा है तो यहाँ पर हम दो फॉर लूप्स का यूज करने वाले हैं अपने कोड के अंदर राइट right? सो so, जो लॉजिक अभी हमने डिस्कस किया इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे बाय यूजिंग अ फंक्शन इन सी सो उसका रिटर्न टाइप यहाँ पर होने वाला है वॉइड एंड फंक्शन का नाम है सलेक्शन सॉर्ट और इसके अंदर हम क्या पैरामीटर पास करेंगे एरे एंड इट्स साइज ठीक है ये दो पैरामीटर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी इन साइड आर कोड और उसके अलावा हमें हमने जैसे कि अभी डिस्कस uh, किया कि हमें पासिस पासिस के अंदर कंपैरिजन तो दो फॉर लूप्स की जरूरत पड़ेगी सो so, इन आई जे एंड वन मोर वो आपको आगे जाके मैं बताऊँगी एक आई मिन और एक टेम्प वेरिएबल हमें यहाँ चाहिए होगा राइट सो सबसे पहले फॉर सो so, ये फॉर लूप किसके लिए है फॉर द पास ये जो पास है इनको चलाने के लिए आउटर फॉर लूप सो फॉर आई इक्वल टू जीरो जीरो इंडेक्सेस स्टार्ट करेंगे हम आई इज़ लेस देन एन माइनस वन कितने पासिस हैं हमारे पास एन माइनस वन तो क्योंकि हमने आई को जीरो से स्टार्ट किया है दैट इज वाई लेस देन एन माइनस वन एन आई प्लस प्लस राइट जैसे ही ये पास स्टार्ट होता है यहाँ पर एक वेरिएबल आई min जो मैंने यहाँ पर लिया है जो कि किसको डील करेगा आई I min mean का मतलब मिनिमम एलिमेंट का इंडेक्स मिनिमम एलिमेंट की वैल्यू नहीं मिनिमम एलिमेंट का इंडेक्स राइट मिनिमम एलिमेंट का इंडेक्स आई मिन इक्वल टू आई राइट right? इनिशियली उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आई अब हम इनर फॉर लूप यूज करेंगे राइट फॉर जे इक्वल टू आई जे इज लेस देन एन जे प्लस प्लस राइट ये इनर लूप है अब इसके अंदर हमें क्या करना है कंपैरिजन सो इफ ए ऑफ जे इज लेस देन किसके साथ कंपेयर करेंगे ए ऑफ आई मिन राइट अगर ए ऑफ जे छोटा है ए ऑफ़ आई मीन से देन हमें क्या करना है आई I मिन mean की वैल्यू को चेंज करके क्या कर देना है इक्वल टू जे राइट एंड देन दिस क्लोज उस करने के बाद आपको आपका जो अनसॉर्टेड सब एरे है, है उसके अंदर आई I मिन mean मिल चुका होगा यानी कि मिनिमम एलिमेंट का इंडेक्स मिल चुका होगा कि किस इंडेक्स पे आपका जो मिनिमम एलिमेंट है वो प्रेजेंट है एंड आफ्टर दिस जब मिनिमम मिल जाए तो सेकेंड स्टेप क्या है स्वॉप करना सो यूजिंग दिस टेम्प वेरिएबल टेम्प इक्वल टू अब किसको स्वॉप करना है जो मिनिमम एलिमेंट है उसको किसके साथ स्वॉप करना है अनसॉर्टेड सब एरे के पहले एलिमेंट के साथ तो अनसॉर्टेड सब एरे का पहला एलिमेंट यानी कि ए ऑफ आई के साथ राइट एंड ए ऑफ आई इक्वल टू ए ऑफ आई मीन एंड ए ऑफ आई न इक्वल टू टेम्प यानि कि जो पहले ए ऑफ आई में था राइट एंड आफ्टर दिस दिस आउटर फॉर लूप क्लोज एंड फंक्शन क्लोज अब इसको हम ट्रेस कर लेते हैं फॉर दिस एग्जाम्पल सो हियर जे इक्वल टू आई प्लस वन राइट जे इक्वल टू आई प्लस वन जे लेस देन एन जे प्लस प्लस सो इनिशियली आई इक्वल टू जीरो एंड आई मिन इक्वल टू आई जब ये आपका फर्स्ट पास स्टार्ट होता है तो आई I मीन mean की वैल्यू कितनी हो जाएगी आई तो आई मीन इक्वल टू जीरो कंपेयर करेंगे हम जीरो इंडेक्स के एलिमेंट के साथ तो हम देखेंगे कि क्या A J, छोटा है ए ऑफ आई मीन से इस फाइव लेस देन टेन कंडीशन इज ट्रू तो आई I मिन mean क्या हो जाएगा आई मीन इक्वल टू जे तो आई I मिन mean की वैल्यू अब चेंज हो क्या हो जाएगी वन दैन अगेन जे प्लस प्लस जे की वैल्यू हो जाएगी टू अब हम किस को कंपेयर करेंगे अब हम आई I मिन mean और जे इंडेक्सेस पे जो एलिमेंट है उनको कंपेयर करेंगे जे यानी कि सेकेंड इंडेक्स इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ फर्स्ट इंडेक्स के साथ तो दिस इज अगेन स्मॉलर तो अब आई की वैल्यू वापस से चेंज हो जाएगी तो आई I मिन mean की वैल्यू कितनी हो जाएगी टू अगेन हम कंपेयर करेंगे अब आई I मीन mean की वैल्यू कितनी होगी टू यानी कि जो मिनिमम एलिमेंट है मिनिमम वैल्यू का एलिमेंट है वो किस पे प्रेजेंट है सेकंड इंडेक्स पे सो अगेन जे प्लस प्लस तो जे की वैल्यू हो जाएगी थ्री तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो विच इज़ अ स्मॉलर फोर तो ये इस इफ में जाएगा ही नहीं क्योंकि ए ऑफ जे क्या है ए ऑफ जे ग्रेटर है ए ऑफ आई मीन से तो दैट इज़ वाई इसके अंदर जाएगा ही नहीं अगेन जे प्लस प्लस अगेन एट भी क्या है बड़ा ही है टू से तो मिनिमम की वैल्यू क्या रह जाएगी आई I मीन mean की वैल्यू कितनी हो जाएगी टू यानी कि ये वाला इंडेक्स राइट नाउ हमें पता चल चुका है जो मिनिमम वैल्यू वाला एलिमेंट है वो किस पे प्रेजेंट है सेकेंड इंडेक्स पे राइट सो सेकेंड स्टेप के साथ स्वॉप करना है किसके साथ स्वॉप करेंगे हम इसको ये रहा स्वॉपिंग का कोड तो ए ऑफ आई के साथ राइट, ऑफ आई यानी कि आई की वैल्यू कितनी है जीरो इस इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसके साथ करेंगे किसको? इस इंडेक्स के एलिमेंट को आई मिन इंडेक्स के एलिमेंट को यानी कि इन दोनों को आपस में स्वाप करेंगे टू एंड टेन इनको सॉप करेंगे तो हमें क्या मिलेगा टू इधर आ जाएगा और टेन इधर आ जाएगा राइट सो स्वापिंग के बाद जो रिजल्टेंट हमारा एरे है वो ये है अब अगेन आई प्लस प्लस अब पाँच नंबर टू चलेगा तो पाँच नंबर टू के लिए आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी वन और आई I मिन mean की वैल्यू भी वही होगी जो आई की वैल्यू होगी दैट इज़ वन अब अगेन जे कहाँ से स्टार्ट होगा जे स्टार्ट होगा आई प्लस वन से यानी कि जे टू से स्टार्ट होगा कंपेयर करेंगे टू इज़ अगेन लेस देन फाइव तो कंडीशन इस ट्रू अंदर जाता है ए ऑफ जे और ए ऑफ आई मिन को कंपेयर करेंगे यानी कि इसको इस इंडेक्स पे जो एलिमेंट है यानी कि सेकेंड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको कंपेयर करेंगे फर्स्ट इंडेक्स के साथ यानी कि इन दोनों को कंपेयर करेंगे हम सो so, यहाँ पर क्या ये वाला एलिमेंट छोटा है इससे नो no. राइट right? तो यहाँ पर हम मीन uh, I mean में कोई चेंज नहीं करेंगे मीन I mean वैसा का वैसा ही रहेगा अगेन जे प्लस प्लस जे की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी थ्री तो फोर और फाइव को कंपेयर करेंगे तो फोर क्या है स्मॉलर है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो मीन I mean की वैल्यू चेंज होकर कितनी हो जाएगी जो जे की वैल्यू दैट इज़ थ्री राइट तो मीन I mean में अब वैल्यू आ चुकी है थ्री थर्ड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो मिनिमम है अभी तक अगेन जे प्लस प्लस तो जे की वैल्यू अब क्या हो जाएगी फोर अब इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे क्या एट छोटा है नो no. तो इस इफ कंडीशन में नहीं जाएगा तो आई I मिन mean में कोई चेंज नहीं आई I मिन mean की वैल्यू थ्री तो अब इस सब एरे में से मिनिमम वैल्यू एलिमेंट कौन सा है फोर इसको सॉप करेंगे किसके साथ इस सब एरे के पहले एलिमेंट के साथ यानी कि फाइव और फोर को सॉप कर लेंगे इस कोड के थ्रू हो जाएगा अगेन क्या होगा अब थर्ड पास चलेगा थर्ड पास के लिए आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी टू और इसी वजह से आई I मिन mean की वैल्यू भी हो जाएगी टू और जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी आई प्लस वन दैट इज़ थ्री राइट तो हम आ चुके हैं यहाँ पर आफ्टर पास नंबर टू हम यहाँ पर हैं अब इसमें से मिनिमम फाइंड आउट करेंगे यूजिंग दिस कोड मिनिमम हमें मिल जाएगा फाइव स्वॉप करेंगे किसके साथ इस सब के पहले एलिमेंट के साथ यानी कि टेन के साथ स्वॉपिंग के लिए ये कोड यूज़ होगा उसके बाद स्वॉपिंग के बाद हमें मिलेगा ये एरे जिसके अंदर दो सब एरेज हैं अनसॉर्टेड एंड सॉर्टेड एंड अनसोर्टेड राइट सो अब इसके अंदर वापस से सेम नेक्स्ट पास के लिए वापस आई की वैल्यू चेंज होगी पहले आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी थ्री राइट एंड आई मिनिमम की वैल्यू हो जाएगी थ्री और जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी फोर राइट सो वापस से हम कंपेयर करेंगे इन दोनों को तो इसमें मिनिमम फाइंड आउट होगा एट एट को सॉप कर देंगे टेन के साथ देन अगेन अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी फोर आई की वैल्यू फोर हो जाएगी तो यहाँ कंडीशन चेक होगी फोर इज लेस देन फोर कंडीशन फॉल्स तो यानी कि नेक्स्ट टाइम ये लूप चलेगा ही नहीं कितने टाइम्स चलेगा फोर टाइम्स फोर पासेस होंगे इसके अंदर और फोर पासेस के बाद आपका जो एरे है वो सॉर्ट हो जाएगा राइट सो दिस वॉज द कोड फॉर डूइंग दिस सेलेक्शन शॉट और अब हम डिस्कस करेंगे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सो नाउ लेटेस्ट डिस्कस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस सेलेक्शन सॉट सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करती है आपकी इन पासेस के अंदर जो आप कंपेरिजन कर रहे हो दो फॉलोप्स को आपने यूज़ किया है राइट सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि कितने पासिस हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं और विद इन दैट पासेस कितने कम्पेरिजन किए हैं सो so, पासेज एंड कंपेरिजनस राइट फर्स्ट पास सेकेंड पास थर्ड पास एंड फोर्थ पास आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एग्जाम्पल इस एग्ज़ाम्पल में हमने फोर पासिस एग्जीक्यूट किए हैं और विद इन दैट पास पहले पास में आपने कितने कम्पेरिजन किए टेन को फाइव के साथ फर्स्ट कंपेरिजन फाइव को टू के साथ सेकेंड कम्पेरिजन टू को फोर के साथ थर्ड कंपेरिजन एंड टू को एट के साथ यानी कि फोर्थ कंपेरिजन तो फोर कंपेरिजन सिमिलरली सेकेंड पास के अंदर आपने किए थे थ्री कम्पेरिजन फोर्थ थर्ड पास के अंदर आपने किए हैं टू कंपेरिजन एंड फोर्थ पास में आपने टेन और एट को कंपेयर किया जस्ट वन कंपेरिजन अब मैं इन सब कंपेरिजन का सम टोटल कर दूँ यानी कि वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर राइट फोर क्या है नंबर ऑफ पासिस एन माइनस वन पासिस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अप टू एन माइनस वन कितने पास एन माइनस वन सो ये मुझे जनरल फॉर्मूला जो मुझे ये सीरीज देगी दैट इज एन एन माइनस वन होल अपॉन टू इसको अगर आप कैलकुलेट करो तो अप्रॉक्सीमेटली अगर आप इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालोगे सो दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली एन स्क्वायर सो बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेलेक्शन सॉट अब हम बात करते हैं बेस्ट केस और वर्स्ट केस की इसका बेस्ट केस क्या होगा इन केस ऑफ सॉर्टिंग बेस्ट केस होता है कि एरे इज़ ऑलरेडी सॉर्टेड जो डेटा आपको गिवन है दैट इज़ ऑलरेडी सॉर्टेड तो उस केस में कंपेरिजन्स तो आपको करने ही होंगे राइट आप देखोगे तो कि कौन सा एलिमेंट मिनिमम है तो दैट इज़ वाई इन बेस्ट केस ऑल्सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिमेन्स एज बिगो ऑफ स्क्वायर इस केस में भी बिगो ऑफ स्क्वायर ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी कैसे वो अभी मैं आपको बताऊंगी एंड ऑल्सो इन वर्स्ट केस वर्स्ट केस के केस में भी आपको जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो मिलेगी बिग ऑफ एन स्क्वायर बेस्ट केस ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर है और वर्स्ट केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ एन स्क्वायर है बट बेस्ट केस में भी एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों है अब हम कंसिडर करते हैं बेस्ट केस क्या होगा फॉर सॉर्टिंग एल्गोरिथम बेस्ट केस होगा कि आपका डेटा ऑलरेडी सॉर्टेड मैनर में सपोज आपको जो एरिया ऑफ डेटा गिवन है सपोज उसके अंदर वैल्यू है टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी क्लियरली आप देख सकते हो कि डेटा सॉर्टेड मैनर में है तो वट इज द एल्गोरिथम एल्गोरिथम ये कहता है कि आप अनसॉर्टेड सब एरे या एरे में से मिनिमम एलिमेंट को फाइंड आउट करो और उसको उसकी सही जगह पर लगाओ सही जगह मतलब अनसॉर्टेड सब एरे की फर्स्ट प्लेस पे उसको लगाओ अब तो हम यहाँ पर एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग चले तो इस एंटायर एरे में मिनिमम एलिमेंट क्या है टेन राइट right? अब टेन को कौन सी जगह पे हमें प्लेस करना है इस सब एरे की फर्स्ट प्लेस पे जिस प्लेस पे वो ऑलरेडी है, है और के अंदर जो भी कंपैरिजन है इससे जो हमने डिराइव करके फॉर्मूला निकाला है ये सारे स्टेप्स फॉलो होंगे ही होंगे राइट right? ये सारे स्टेप्स फॉलो होंगे क्योंकि हमें क्या करना है मिनिमम फाइंड आउट करना है हम एक गो में या एक पास में कंक्लूड नहीं कर रहे हैं कि आपका एरे सॉर्टेड है क्योंकि फर्स्ट पास के बाद सिर्फ टेन की प्लेस फिक्स हुई है ये वाला पार्ट अभी भी अनसॉर्टेड है अगेन इस अनसॉर्टेड पार्ट में भी आप मिनिमम फाइंड आउट करोगे और उस मिनिमम वैल्यू को कहा डालोगे अनसॉर्टेड के फर्स्ट प्लेस पे तो यहाँ पर मिनिमम अगेन क्या आएगा ट्वेंटी एक बार आपने फाइंड आउट कर लिया कि इस अनसॉर्टेड सब एरे के अंदर मिनिमम एलिमेंट क्या है ट्वेंटी अब ट्वेंटी की प्लेस क्या है अनसॉर्टेड एरे की फर्स्ट प्लेस जो है राइट फर्स्ट प्लेस यानी कि फर्स्ट एलिमेंट की जगह वो आएगा वहां वो ऑलरेडी है राइट right? अब अगेन ये वाली दो प्लेसेस सॉर्ट सॉर्ट हो हो गई right? sort हो गई राइट दिस सॉर्टेड एंड इज अनसॉर्टेड अगेन इसके अंदर आपको मिनिमम मिलेगा थर्टी थर्टी को कहा डाला है हमें अनसॉर्टेड एरे के फर्स्ट पोजिशन पे जहां वो ऑलरेडी है तो यहाँ पर कंपेरिजन हो रहे हैं राइट right? ये पासिस भी चल रहे हैं कंपेरिजन भी हो रहे हैं यानी कि जो टाइम आपका निकल के आएगा वो स्क्वायर ही आएगा इन बेस्ट केस आल्सो क्योंकि यहां पर आप मिनिमम फाइंड आउट कर रहे हो राइट यहां पर आप एक पास के बाद या दो पास के बाद कंक्लूड नहीं कर पा रहे हो कि आपका एरे सॉर्टेड है अनलाइक बबल सॉर्ट बबल सॉर्ट में ऐसा नहीं था राइट सो इन बेस्ट केस सिनारी ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट आपको क्या करना पड़ेगा पूरे इटरेशन आपको एग्जीक्यूट कराने होंगे राइट सारे पासिस एग्जीक्यूट होंगे और पासिस के अंदर सारे कंपैरिजन कंप्लीट होंगे राइट सो दिस वॉज कम्पलीट से अंदर हमने देखा वॉट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड सेलेक्शन शॉर्ट एक एग्जाम्पल हमने देखा यहां पर राइट right? और हमने एक फंक्शन लिखा इन सी लैंग्वेज एंड वी डिस्कस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन बेस्ट एंड वर्स्ट केस ऑफ सेलेक्शन शॉर्ट इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन दॉमेंट सेक्शन थैंक यू फॉर वॉचिंग